जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सोनू आजमी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तालुका प्रेसिडेंट, अंधेरी विधानसभा। मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हैं, AIMIM जो नेशनल पार्टी है, ये गरीबों की हक की बात करती है, गरीबों के लिए लड़ती है, गरीब आवाम की तकलीफ को विधानसभा से लेके सांसद से लेके उसके मुद्दे को रोड तक सड़कों पर उतारती है। इसी तरह एक मुद्दा ये भी है गरीब का, जैसा कि कोरोना वायरस की महामारी से हमारा देश तो परेशान नहीं है। अगर मैं पूरे देश की ना बात करके महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं, तो यहाँ पे आघाड़ी सरकार है, कांग्रेस, NCP, शिवसेना, यहाँ के CM साहब उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, अंधेरी विधानसभा तालुका प्रेसिडेंट के नाते, के उद्धव साहब, लॉकडाउन के चलते जनता के पास रोजगार नहीं है, कारोबार बंद है, खाने के लिए पैसे नहीं है, कैसे कैसे जो पूंजी जमा थी वो उन्होंने चलाया, अब उनके पास जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके घरों की लाइट बिल माफ करें, क्योंकि ये बीमारी सरकार की लापरवाही से आई है, इसमें जनता का कोई रोल नहीं है, इसका भुगतान सरकार करे, ना कि जनता पे थोपा जाए। इसके चलते ना जाने कितनों की जान चली गई, इसके चलते लोग पैदल अपने घरों की तरफ निकल पड़े, सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं रहा। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, कम से कम यहां के रहवासियों की लाइट बिल माफ करें, ताकि इन परेशानी में इनको थोड़ा राहत पहुंचे। अगर ये आघाड़ी सरकार लाइट बिल नहीं माफ करेगी, तो MIM के कार्यकर्ता से लेके मुंबई के प्रेसिडेंट तक अपने तरीके से सरकार से लोहा लेने का काम करेंगे, जनता का बिल माफ कराने का काम करेंगे। इसलिए मैं विनती करता हूं कि CM साहब जनता की इस परेशानी को समझेंगे और उनकी लाइट बिल माफ करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।